जय गणपति सद्गुण सदन करिवर बदन कृपाल विघ्न हरण मंगल करण जय 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 गिरजाला। श्री शक्ति गणपति मंदिर रामकोट हैदराबाद। जय 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 गणपति गण राजो मंगल भरण करण शुभ काजु जय जग बदन सदन सुख दाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद शहर के रामकोट क्षेत्र में स्थित है यह श्री शक्ति गणपति मंदिर। वक्रतुंड महागणेश जी का यह मंदिर शहर के एक दोराहे पर स्थित है। मंदिर में गणेश जी की काली मूर्ति विराजमान है। गणेश जी की काली मूर्ति कम ही मंदिरों में पाई जाती है। स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में प्रतिष्ठापित गजानन भगवान की मूर्ति विशेष लाभदायक है, इसलिए इन्हें शक्ति गणपति कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। सुवन षडानन भ्राता गौरी ललन और विश्व विख्याता विद्धि सिद्धि तौ चवर सुधारे मूषक वाहन सोहत द्वारे। गणेश जी की मूर्ति के आगे महादेव शिव जी की शक्ति का प्रतीक पवित्र लघु शिवलिंग स्थित है। गणेश जी भगवान शिव जी और पार्वती के पुत्र हैं। शिव जी ने गणेश को प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया है, आदो पूज्यो विनायक। इस उक्ति के अनुसार समस्त शुभ कार्यों के प्रारंभ में विनायक गणेश की पूजा आवश्यक है। इसी वजह से प्रत्येक मांगलिक कर्म, पूजन, अनुष्ठान आदि में सबसे पहले गणेश जी की आराधना की जाती है। किसी भी देवता के मंदिर में जाइए, सबसे पहले भगवान गणपति का ही स्मरण करना चाहिए। वक्रतुंड महाकाल सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा सर्व कार्येषु सर्वदा। हैदराबाद के श्री शक्ति गणपति मंदिर का वास्तुशिल्प पूरी तरह दक्षिणी शैली का है। मंदिर के विशाल गोपुरम को रंग बिरंगी देव प्रतिमाओं से सजाया गया है। गोपुरम के ऊपर का भाग कई तलों में बंटा हुआ है एवं इसके ऊपर शिखर बना हुआ है। शिखर के ऊपर सुंदर कलश शोभा पा रहे हैं। मंदिर में अंदर एक स्वर्ण स्तंभ स्थित है जिसकी श्रद्धालु लोग परिक्रमा करते हैं। माना जाता है कि इस स्वर्ण स्तंभ की परिक्रमा करने से हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर की कलाकृति बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। मंदिर को विभिन्न रंगों से रंगा गया है। मंदिर में की गई नक्काशी बहुत आकर्षक और अनोखी है। मंदिर द्वार के ऊपर स्थित गणेश जी की मूर्ति बहुत सुंदर है। मंदिर के स्वर्ण स्तंभ पर भी गणेश जी की छोटी मूर्ति स्थित है।
भगवान श्री गणेश मंगल करने वाले हैं। वे विघ्न और बाधाओं को हरण करते हैं, इसलिए विघ्नहर्ता कहे जाते हैं। शिव पार्वती के पुत्र गणेश ज्ञान व बुद्धि के देवता हैं, तो मातृ व पितृ भक्ति के पर्याय भी हैं। पुराणों में कहा गया है कि भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थ के दोपहर 12 बजे जन्मे श्री गणेश को सभी देवताओं का सम्मान व शक्तियां प्राप्त हैं। देखो गणनायक की शान, इनकी महिमा बड़ी महान। देखो गणनायक की शान, इनकी महिमा बड़ी महान। देखो गणनायक की शान, इनकी महिमा बड़ी महान। गले में है जसवंती हार, दुर्वा से करते हैं प्यार। गले में है जसवंती हार, दुर्वा से करते हैं प्यार। शीश मुकुट सुंदर श्रृंगार, कुंडल झूले दोनों कान। देखो गणनायक की शान, इनकी महिमा बड़ी महान। देखो गणनायक की शान, इनकी महिमा बड़ी महान। गणेश जी को प्रथम क्यों पूजा जाता है, इस बारे में पुराणों में एक कथा है। एक बार देवताओं के बीच उनके वाहनों की शक्ति परीक्षण हुआ। अपने अपने वाहनों के साथ देवता एक स्थान पर प्रकट हुए। तय हुआ कि जो देवता सबसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा पूरी करेगा वह प्रथम पूज्य कहलाएगा। देवता अपने अपने वाहन पर ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए निकले। गणेश जी जिनका वाहन मूषक है असमंजस में पड़ गए। उन्होंने विचार किया कि एक छोटे से मूषक के साथ ब्रह्मांड की परिक्रमा नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी बुद्धिमता का परिचय देते हुए एक अनूठा उपाय किया। वह अपने माता पिता शिव पार्वती के चारों ओर परिक्रमा कर वहीं बैठ गए। जब अन्य देवता परिक्रमा करके लौटे तब उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड की परिक्रमा सबसे पहले उन्होंने पूरी की है। जब अन्य देवताओं ने उनसे इस बारे में प्रश्न किया तो गणेश जी ने उत्तर दिया कि माता पिता मूर्तिमान ब्रह्मांड हैं तथा उनमें सभी तीर्थों का वास है, इसलिए उनकी परिक्रमा ब्रह्मांड की परिक्रमा के समान है। उनके इस तर्क को मान्य किया गया। वह देवताओं ने प्रसन्न हो गणेश को वरदान दिया कि आज से सबसे पहले हर पूजा में गणेश को सर्वप्रथम पूजा जाएगा। श्री गणेश की माता व पिता के प्रति यह अनुराग व भक्ति आज भी लोगों के लिए प्रेरक है। गणेश चतुर्थी के दिन विघ्नेश्वर गणेश जी की पूजा अर्चना और व्रत करने से मनुष्य के सभी संकट दूर हो जाते हैं, इसलिए इसे संकटी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन प्राण प्रतिष्ठित गणेश जी की प्रतिमा का विधि विधान से पूजा करना चाहिए। जो व्यक्ति इस व्रत को विधिवत करता है उसके किसी भी कार्य में विघ्न बाधा नहीं आती। उसके घर गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि का भी वास होता है। सुखकर्ता दुखहर्ता गौरी कुमार भगवान श्री गणेश विघ्नों का समन तो करते ही हैं, कार्य सिद्धि में आशीर्वाद और सहयोग भी प्रदान करते हैं। इसलिए हर मंदिर में गणेश जी का स्थान अहम होता है। ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर ने विनायक को गणों का आधिपत्य प्रदान करके कार्यों में विघ्न डालने का अधिकार तथा पूजनोपरांत विघ्न को शांत करने का अधिकार भी प्रदान किया। इसलिए किसी भी देवता के पूजन से प्रथम श्री गणेश जी की पूजा होती है। ऐसा न करने पर वह व्रत अनुष्ठान निष्फल हो जाते हैं। इसलिए ओमकार स्वरूप गणेश जी की श्रद्धापूर्वक पूजा करके ही संपूर्ण मनोरथ को पूरा किया जा सकता है।
बारीक कारीगरी और विभिन्न रंगों का संगम किसी दक्षिण भारतीय मंदिर को एक अलग ही पहचान प्रदान करता है। श्री शक्ति गणेश मंदिर में रोज भक्त बड़ी संख्या में आते हैं। भक्त मंदिर में गणेश जी के आगे शीश झुकाते हैं। भक्त मंदिर में आकर घंटियां बजाते हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। स्वर्ण अतंभ पर बनी गणेश जी की प्रतिमा को लोग आदर से चूमते हैं। मंदिर में विराजित गणेश जी की काली छोटी मूर्ति ही मुख्य है। गणेश जी के साथ उनकी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि दोनों उपस्थित हैं। मंदिर की आंतरिक कलाकृति भी बहुत सुंदर है। गणेश जी की मूर्ति को फूलों से सजाया गया है। मूर्ति को दीप जलाकर आरती की जाती है। आरती करने के बाद आरती की धूप मंदिर में आए हुए भक्तों को दी जाती है। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुसे की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। इस मंदिर की एक विशेषता यह है कि आप मंदिर के किसी भी कोने में जाएं, आपको हर ओर गणपति जी की ही प्रतिमा दिखाई देंगी। चाहे वो मंदिर का गर्भगृह हो या मंदिर की बाहरी दीवारें हों, हर ओर गजानन महाराज विराजमान हैं। मंदिर में चारों ओर गजानन जी का दिव्य प्रभाव उपस्थित है। ऐसा लगता है मानो गणपति जी अपने सभी भक्तों को यह आशीष दे रहे हैं कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी विपदा हो, मैं हर पल तुम्हारे हर विघ्न को हरने के लिए मौजूद रहूंगा। इसलिए गणपति जी श्रद्धालुओं में विघ्नहर्ता के नाम से भी लोकप्रिय हैं। वंदन गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। भगवान श्री गणेश विद्या और बुद्धि के दाता हैं और विद्या तथा बुद्धि के बल पर ही मनुष्य सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि श्री शक्ति गणपति मंदिर में आकर भक्तगण भगवान श्री गणेश से विद्या और बुद्धि का वरदान मांगते हैं। सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, सिद्धि सदन गणपति जग वंदन, गाइए गणपति जग वंदन। ओम गणेशाय नमः।